भाई गिरी तो भाई मालिक का भी क्रैश हुआ। वो देखो भाई मोटो जीपी मोड जा रहा है ये सीधा यार। तुम्हारे भाई की बाइक इधर लगी हुई है, ये देख रहे हो बर्फ में। ये देख रहे हो कैसी सी लोकेशन पे आ गए भाई, कितना सेक्सी सीन है यार। यहाँ देखो उस साइड से तुम्हारा वो दिख रहा है पूरा सनसेट है। तो हमारी भी ओ तैनात में मिली वो ओहो। नहीं 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 गाइस, आप सही चैनल पे आए हो गाइस। एक्चुअली यार सीन बता दूं तुम्हें यार, देखो तुम भी सोच रहे होगे कि मेरे पास ये स्कूटी कहाँ से आई। एक्ट हो गया था तो मैं पिट स्टॉप बाइक छोड़ के आ गया था, सो अभी फिलहाल स्कूटी लेके आया हूँ फ्रेंड की। भाई मेरे को स्कूटी चलानी नहीं आती है, मम्मा कसम मेरे को स्कूटी चलानी नहीं आती है, क्योंकि इसमें वो गियर वाला सिस्टम नहीं है ना, तो मेरे को डर लगता है। मैं पता नहीं कैसे करके इसको चला रहा हूँ। अभी जाना है इधर से मुझे अपने फ्रेंड के पास, वो चलाएगा, उसके बाद स्कूटी मैं उसको हवाले कर दूंगा और पीछे बैठूंगा गाइस, फिर मुझे वो सिद्धर तक पहुँचा दे किसी तरह बस एक पीस में। ये देख लो बैग मैंने नीचे रखा हुआ है बिकॉज आज ये संडे, तो मैं कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। सो गाइस आज वो सरप्राइज तुम्हारे लिए पक्का हो चुका है। अरे मुझे डर बहुत लग रहा है गाइस, ये देखो गलियों में कैसे जा रहा हूँ, ये कसम से इसको ना इधर मुड़ा सकते हो ना इधर मुड़ा सकते हो, इतना डर। ओ ओ ओ गाइस तैयार हो तुम गाइस, ऑफ रोड हो रहा है गाइस। गाइस हमारा मित्र आ चुका, ओ ओ मित्र आ चुका है, ओ इसको ब्रेक नहीं है। ओ ओ ओ हेलो, चमक के क्यों आए हो भैया? ना यार तू देख भाई, आज ड्राइवर है भाई ने बस 2 मिनट पहले स्कूटी सीखी है, मतलब अभी मेरे हाथ में आई तभी से चलाना सीख गया मैं। ज्यादा तेज मुझे चलना होगा नहीं बिकॉज मुझे, भाई तुझे पता मैं कितनी आहिस्ता आहिस्ता आया हूँ पीछे से। तो नहीं भाई तुम मुझे दे दे, मैं चला लूंगा। एलपी ट्रक को मोड़ रहे हैं हम, चल चल जान दे भाई, इसका अगला टायर उठ रहा है ऊपर। 2000 years later. Hello guys, a very good morning. क्या हाल है तुम सबका? I hope तुम सब बढ़िया ही होगे यार। So फिलहाल guys तुम्हें बता दूं, जैसे तुम्हें बताया था संडे को सीन होने वाला है, तो स्कूटी छोड़ दी है, बाइक लेके आ गए हुए हैं। एंड तुम्हें लाइनअप दिखाता हूँ कि बाइक्स कौन कौन सी हमारे साथ। ओके सो गाइज ये देख लो, ये रही हमारे साथ बाइक्स। दिस इज माई Z900, मेरी Z900, ये मानिक की Z900, दिस इज निंजा 1000। एक ZX-NR भी आ रही है, मतलब समझ लो सुपर बाइक्स का तहलका मचने वाला आज। तो जा कहाँ रहे हैं हम वो तो तुम्हें टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा। सो प्लीज बने रहो व्लॉग में, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलूंगा आपको बाइक के ऊपर, और आज बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं गाइस। जैसा तुम बोल रहे थे बहुत दिन से कहीं लेके चलो आज बर्फ में लेंगे तुम्हें। सो फिलहाल ये देख लो, ये रहा हमारा लाइनअप, देख रहे हो रंग बिरंगी बाइक्स हैं, डार्क से लेके लाइट से लेके अतरंगी कलर्स, मतलब तुम्हें हर किस्म में दिख जाएगी। ये देख लो, ये रही मेरी Z900 गाइस, और इसके ऊपर मैंने टैंक बैग फिक्स कर दिया हुआ है। ये रही दूसरी Z900, ये रही आपकी Ninja 1000, एंड ये वाली द माइटी ZX-NR गाइस। तो एक्चुअली इसको सीट लगी हुई है, और मैं तुम्हें बता दूँ हम सब वो चलने वाले हैं बिना इसके पिलियंस के। सो गाइस आज भगाने वाले हैं, फुल पावर भगाएंगे, सारी बाइक्स कोल स्टार्ट हो चुकी हैं, एंड देखो सारे उधर लाइन में खड़े हैं। सो होपफुली बहुत ज़्यादा मजा आएगा गाइस, बने रहो। लाइनअप मैंने तुम्हें दिखा दिया हुआ है, और आज जाएंगे एक टायर पे, ठीक है? तो गाइस बैग को कर रहे हैं तैयार, आप जा रहे हैं ट्रिप पे? हाँ जी, मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय, आ जा। बिस्मिल्लाह गाइस चलो, आई होप कि जर्नी अच्छी जाएगी गाइज, आप भी दुआ करना। अगर एपिसोड आ गया तो समझो अच्छे से हम जर्नी कर चुके हैं कंप्लीट, एंड चलो गाइज देखते हैं क्या सीन रहता है आगे का। एज यूजुअल तुम्हारा भाई बिना ग्लव्स के चल रहा है, बिकॉज तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को ग्लव्स लगा के नहीं चलना पड़ता। कि इस बार तुम्हें आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है बिकॉज मेरा हेलमेट रहेगा खुला। बस मेरे को अपना हेलमेट अपग्रेड करना पड़ेगा बिकॉज मेरा हेलमेट बहुत ज्यादा टट्टी है, पूरा उड़ रहा है, कभी इधर उड़ रहा है कभी उधर उड़ रहा है। ओ गाइज देख रहे हो 1000 का कट मार रही है, टहल है यार 1000 वाले की। दोनों आ जा। सो गाइज अभी हम दोनों व्हीली मारने वाले हैं। चल 1 2
ये क्या था? ओहो, व्हीली मारते मारते शुरू हो चुकी है हमारा सीन। आ जाओ गाइस। जबरदस्त गाइस, मेरे को अपनी उतारनी पड़ी, मैं इसकी व्हीली देख रहा था यार। जबरदस्त गाइस, इतनी व्हीली तुमने आज तक नहीं देखी होगी यार। इस बार मैंने और मालिक ने तो तबाही मचानी है गाइस। ये और मैं दो बाइकें हैं और खतरनाक व्हीली पॉप करते करते जाएंगे यार। फाइनली टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं, जो अपना जम्मू का टोल प्लाजा है, जहाँ से आप जम्मू को एंटर और एग्जिट दोनों चीज़ें करते हो। सो अभी हमारे लिए तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, हमारे लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमने कोई पैसा पूसा नहीं देना गाइस। टनल आ रही है, इसमें व्हीली हो जाए। सो गाइस, अभी पढ़ने वाला है ऑक्टेन बूस्टर, इसके अंदर ओ यार अभी जगह ही नहीं है, अटैक खुल है। हुआ हुआ, ओ भाई ये टेनर ले रहा है, आर1 फाइव ले रहा है। ओ बाप रे, तो हमारी भी वो टेनर पे व्हीली, वो देखो यार इस पे व्हीली मार रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ते उड़ते जा रही है, बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा है गाइस यार, मां कसम। बोली बोली ओ तेरी भाई, मानना पड़ेगा भाई टेनर टेनर है। ये क्या कर रहा है, ये क्या ओ आर1 फाइव चला रहा है गाइस, ये देखो असल। ओ गाइस इसका इसका इसके ट्यूबर से कुछ निकला, इसकी टट्टी की थैली निकल गई है। ओ गाइस इसकी टट्टी की थैली निकल गई है, मां कसम मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओए तेरी टट्टी की थैली निकल गई पीछे से, तेरी टट्टी की थैली, जहाँ टट्टी जमा होती है ना, टट्टी की थैली बाहर निकल गई पीछे से। वो देखो पहुंचो पहुंचो, वो देखो गाइस टट्टी की थैली, टट्टी की थैली, सॉरी 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 सॉरी। गाइस की टट्टी की थैली देख रहे हो तुम, टेनर पे पीछे टट्टी ज्यादा तेज चलती है ना। तो अच्छा सुनना सुनना, ओए ओए अब मुझे समझ आई, तेरी बाइक ज्यादा तेज चलती है ना, टट्टी निकल जाती होगी है ना। वो देखो भाई मोटो जीपी मोड जा रहा है ये सीधा, यार क्या कर रहा है ये, सीधा मोटो जीपी मोड बोल सकता हूँ मैं तुम्हें। देखो 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 देखो, ओ बाप रे, वन व्हील लाइफ बेबी। गाइस मेरा फ्यूल खत्म हो जाएगा यार, वो देख रहे हो यार, वो टेनर के साथ क्या ही कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं टेनर को, इतना लिटा रहा है ना गाइस। तो गाइस तुम्हें बता दूं, उधमपुर को क्रॉस कर लिया हुआ है और उधमपुर के बाईपास पे से चल रहे हैं और अभी जल्दी समरोली पहुंच जाएंगे। गाइस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो अभी फिलहाल चल रहे हैं, मजा आ गया गाइस। ये रही हमारी बाइक, सभी फिलहाल यहाँ पे लगाई हुई है, अब पता नहीं क्यों रुके भाई वो उधर है, चलो यार इसको शायद कुछ मसला है, गाड़ी नहीं निकल रही होगी, आप देखते हैं, आजा देखते हैं यार, दिक्कत होगी भाई इसको, गाड़ी बजेगी पीछे से ट्रक ना। निकल गई निकल गई, गलत जगह खड़ी, वो देखो देख, आराम से चलो आराम से आराम से।
थोड़ा अंकल इस वाली साइड चलो, इस वाली साइड नहीं नहीं वो बीच रास्ते में लगा के खड़े थे गाड़ी, नहीं नहीं वो है ना। ओके सो गाइस यहाँ पे रुके हुए थे बिकॉज वो अंकल कुछ बीच रास्ते में खड़े थे, तो अभी फिलहाल बाइक स्विच हो चुकी है, तो अभी वो जैसे लेट रही थी ना, 1 2 3 गो। अभी पहुंच चुके हैं हम समरोली वाली जगह पे, तो आई थिंक आगे चल के रुकेंगे थोड़ा सा बिकॉज भूख भी लग रही है बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है यार, मैं तुम्हें एक बता दूं सीन, जब तुम लिटिल क्लास बाइक्स पे होते हो या कोई भी सुपर बाइक पे होते हो ना, तुम्हारा जितना तुम तेज चलोगे ना, मतलब तुम्हारी एनर्जी बर्न होगी बहुत, मतलब इतनी तुम्हारी एनर्जी बर्न होगी तो भूख भी लग जाती है, इवन की वेट भी कम हो जाता है, तुम्हें पता है। गाइस आप सबको बता दूं, ऑलमोस्ट सब पहुंच ही गए, यहाँ से कोई शायद 20 किलोमीटर और बचा हुआ है, 20 या 19 किलोमीटर और बचा है हमें टनल तक पहुंचने में, तो टनल के बाद गाइस आपको मिलते हैं, ठीक है। गाइस यहाँ पे पावर होना चाहिए बिकॉज पेट्रोल थोड़ा भी नहीं है बाइक में यार, पावर मिल जाए ना तो मजा। हाँ गाइस पावर है। ओके सो फाइनली गाइस फ्यूल हो चुका है फुल मेरी बाइक में, मैंने फुल दोबारा कराया, 1500 का डलवा के लाया था, अभी 900 का और पड़ा, मतलब 830 का जैसे तुम देख सकते हो, अभी 10R में भी पड़ेगा, उसमें 1000 में भी डलेगा, 900 में भी डलेगा, मतलब सबका तेल खत्म हो गया, इतनी गंदे तरीके से आएगा, इतने गंदे तरीके से आएगा जब हम इसको निकल रहे हैं यहाँ से। पेट्रोल हो चुका है गाइज फुल, अब गाइज भूख लग रही है बहुत ज्यादा, होटल से जा रहा है वहाँ पे नमकीन चाय मिलती है, ठीक है, तो अभी वहाँ पे जाके नमकीन चाय पीते हैं, रुक के बहुत ज्यादा मजा आएगा यार। चलो अभी होटल वो भी थोड़ा सा आ गई है। ओके गाइज फाइनली पत्नी टॉप वाली साइड चढ़ चुके हैं, एंड वो देख रहे हो इधर कितना वो हेज हेज टाइप है, आई थिंक हमें ऊपर बर्फ देखने को भी मिलेगी, आई थिंक क्या गाइज बर्फ पड़ी है परसों यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत तो होगी। ओके सो गाइज यहाँ पे कर रहे थे हम अपना ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सारा एक साथ में, देखो गाइज टट्टी की थैली वाला, इसको भी टट्टी की थैली लटक रही है, देखना डैल मार रहा मगर इसको पता नहीं है क्या है, दिखाता हूँ तुम्हें टट्टी की थैली देखनी है, ये देखो चलो बहुत मजा आने वाला है, ये देख लो अभी ऊपर ऊपर से धूप है, बट ये अभी खत्म होने वाली है, कुछ ही टाइम की धूप है गाइज, ये अभी ये खत्म हो जाएगी और उसके बाद गाइज अब हमें ऊपर चलना है, अपने लिए एक होटल ढूंढना है, तो भाई बहुत ज्यादा मजा आएगा आज, तुम देखते जाओ। मैं तुम्हें बता दूं हाथों की हालत हो चुकी है खराब, बहुत गंदे तरीके से सर्दी लग रही है यहाँ पे यार, बिकॉज इधर बर्फ है ना ऊपर, तो उसकी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे यार। 10 किलोमीटर बचा है और हमें 10 या 8 किलोमीटर और ऊपर, देख रहे हो गाइस अब आगे से ना फॉग स्टार्ट होने वाली है और भाई ऊपर बर्फ है, इससे तो पता चल ही रहा है बिकॉज जो टेम्परेचर अब यहाँ पे सब जीरो में गिर जाएगा, और जीरो पे जब माइनस में आ जाएगा टेम्परेचर गाइस यहाँ पे, वो तेरे हाथों की वाट लगी हुई है कसम से बता रहा हूँ, सब एक बंदे के पास ग्लव्स है और तुम्हारे भाई के पास ही नहीं है सिर्फ ग्लव्स, अरे डैल मार रहे तुम्हारे भाई हो गए, वाट लगी मेरी यार। फाइनली ये देखो कुछ ऐसी सी लोकेशन पे रुके हैं, तुम देख रहे हो फॉग ही फॉग है चारों तरफ से, एक्चुअली मेरी कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी है गाइस, तो अब कुछ शूट नहीं कर पाऊंगा, जो है यहीं पे अब आगे होटल में रुक के देखते हैं। सो फिलहाल ये अपनी बाइक यहाँ पे लगी हुई है एंड यहाँ पे ZS10R भी लगी हुई है एंड सारे बंदे ऑलरेडी ऑलमोस्ट आ चुके हैं, चलते हैं अब यहाँ से गाइस। थोड़ा सा रुक गया था आपको बताने के लिए कि यहाँ पे देखो कितनी फॉग फॉग है, और ये देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े वो अंश दिख रहे हैं आपको, बर्फ के अंश थोड़े थोड़े, ये देखो वहाँ से भी बर्फ बर्फ बर्फ, अभी ऊपर और ज़्यादा होने वाली है, मेरे हाथों की हालत देखो फ्रीज हो चुके हैं लिटरली यार, मतलब ग्लव्स लगाता नहीं और रिग्रेट भी बहुत करता हूँ, बट चलो क्या कर सकते हैं। ये देख रहे हो कैसी सी लोकेशन पे आ गए भाई, कितना सेक्सी सीन है यार, यहाँ देखो उस साइड से तुम्हारा वो दिख रहा है पूरा सनसेट, इस साइड से स्नो, और यहाँ पे तुम्हारा भाई हेलमेट के बीच में, क्या करे गाइस बहुत मजा आ रहा है मौसम, ये देख लो ब्लैक आइस है, ये पीछे आइस के ऊपर से आया, मतलब हालत खराब है गाइस। गाइस आप लोग को बर्फ एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, तो चल ओए क्या हुआ, गिरी गिर गई बाइक, गिरी बाइक गिरी,
भाई गिरी तो भाई मालिक का भी क्रैश हुआ भाई भाई को भाई ये देख रहे हो भाई ये इसका पूरा वो नीचे आ गया छोटे-छोटे भाई स्क्रैच और तो टूटा तो नहीं कुछ ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई साइड में करो यार देख रहे हो भाई तो भाई ये तो छोड़ो आप पीछे क्राउड देखो यार आरसी गिर रही गाइस आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से क्या हो गया गाइस एक और भाई क्रैश हो गया यार सो गाइस फाइनली पत्नीटॉप पहुंच चुके हैं एंड यहां पे देखो भाई कितने सारे भाई आ गए हैं यहां पे ये देखो यहां पे अपनी बाइक लगी हुई है ये देखो यहां पे इन सब की भाई मतलब लिटरली बता दूं ना हाथों की हालत बहुत खतरनाक खराब हो चुकी है बहुत A few moments later. Okay, so guys, फिलहाल पहुंच चुके हैं यार अपने होटल पे ठीक है बड़ी मुश्किल से मिला है होटल इस टाइम पे और तुम्हें कुछ दिखाऊं ये देख लो गाइज ये सारी स्नो ही स्नो है स्नो 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 अभी चलेंगे अंदर होटल में रूम वगैरह हमारे हो चुके हैं एंड भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है मतलब बहुत खतरनाक तुम्हारे भाई की बाइक इधर लगी हुई है ये देख रहे हो बर्फ में इधर पे ये ड्यूक लगी है आगे वो और बाइक्स लगी हुई है सारी तो अभी चलो जल्दी